नमस्कार, मुझे जवाब चाहिए में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में मुंबई में शिवसेना की गुंडागर्दी की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में उबाल है। सुशांत कंगना एपिसोड अभी महाराष्ट्र में जारी ही है कि इस बीच एक नया बवाल खड़ा हो गया है जिसकी लपटों की आंच अब पूरे प्रदेश में फैलती जा रही है। हम बात कर रहे हैं मुंबई में पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा के साथ शिव सैनिकों की बदसलूकी की, शिव सैनिकों की गुंडागर्दी की। पूर्व नौसेना अधिकारी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक फॉरवर्डेड मैसेज जिसमें कुछ तस्वीरें थी, मीम्स जिसको हम कहते हैं, वो था, उसको शेयर कर दिया था और उसके बाद से उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। इतने से भी शिवसैनिकों का मन नहीं भरा तो घर में घुसकर पूर्व नौसैनिक के साथ मारपीट की गई है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार का रवैया देखिए, जो सरकार जरा सी बात में एक्शन में नजर आती है उसके राज में उपद्रवी शिवसैनिकों पर कठोर एक्शन की बजाय सभी छह आरोपियों को कुछ ही घंटों में जमानत मिल जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि जिस शख्स को मारा पीटा गया है वो शख्स तो अभी तक अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जिन लोगों ने गुंडागर्दी की, जिन लोगों ने मारपीट की, वो खुलेआम घूम रहे हैं। शिवसैनिकों की गुंडागर्दी से इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में उबाल है। मुंबई में प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह। बीजेपी आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है उस मारपीट की, देखिए कम से कम 7 से 8 ये शिव सैनिक है जिसमें शिवसेना का शाखा प्रमुख कमलेश कदम भी शामिल है। नौसेना के पूर्व अफसर के साथ ये लोग मारपीट करते हैं, उन्हें बुरी तरह से पीटते हैं और अब प्रदर्शन हो रहे हैं मुंबई में जगह जगह। मांग की जा रही है कि क्यों इतनी आसानी से इन लोगों को छोड़ दिया गया, इन लोगों को दोबारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आरोप ये लग रहे हैं कि हल्की धाराएं लगाई गई थी पुलिस की तरफ से जिसकी वजह से इतनी जल्दी इन लोगों को जमानत मिल गई है। वो शख्स जिसने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के नाम कर दिया, वो शख्स जो कि बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की रक्षा करता रहा, उस शख्स के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की गई है। एक पूर्व नेवी अफसर के साथ हुई मारपीट का बाद पूरा परिवार इस वक्त बेहद आहत है। खुद पीड़ित अफसर, उनकी बेटी और बेटे क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। पहले कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी जब मेरे को मिला तो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है हमारे बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मैं डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं। शिवसेना के थे, प्रेसिडेंट रूल लगना ही चाहिए, यहाँ ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हमें ही आके मारे हैं और हमारे खिलाफ ही कंप्लेन हो गया है, हमें उल्टा मारते हैं और हमारे ऊपर ही कंप्लेन हो जाता है। अरे आपको आना है, पुलिस स्टेशन बोल रहे हैं। मैं बोला वो काफ़ी एजेड हैं, उनको ऐसा ऐसा हुआ है, आप हमें टाइम दीजिए, लेकिन वो टाइम देने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस वॉज नॉट कोऑपरेटिंग विद अस। तो आपने खुद पीड़ित अफसर को सुना और उनको देखा, बुजुर्ग हैं, रिटायर हो चुके हैं, 65 साल की उम्र है, लेकिन मारते रहे शिवसैनिक, पीटते रहे, मार मार के आंख उनकी लाल कर दी, अस्पताल में भर्ती है। पूर्व अफसर, उनकी बेटी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, उनका बेटा कह रहा है कि हम कहते रहे भी बुजुर्ग हैं छोड़ दो, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा, मारते रहे। और इस मारपीट के बाद अब जमकर सियासत भी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से मांग की है कि अपने गुंडों पर लगाम लगाएं। हैं उनके साथ जिस तरीके से हुआ है, सरकार सामने आती है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, एक सुरक्षा का भाव देती कि नहीं सरकार आपके साथ है, कुछ गलत नहीं होगा। पर वहां तो आप अपराधियों को पकड़ के महज कुछ घंटों में आप छोड़ भी देते हैं, तो ऐसे में उम्मीद तो किसी से बचती नहीं है। परिस्थितियां ऐसी रही, डेफिनेटली संसद में भी ये विषय उठेगा और जैसा मैंने कहा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं औपचारिक तौर पर भी मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सारा सार गलत है, क्योंकि मारान करते हैं और मारान होने के बाद जिसको मारा है उसको पुलिस पकड़ने को जाती है। और जामीन सरकार के आशीर्वाद से ही हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रीडर रहे, पुलिस रहे, ये सरकार के नियंत्रण पे, इशारे पे चलता है। तो मेरा आरोप है कि सरकार की आशीर्वाद से ही इनको जामीन मिला है। रिटायर्ड नेवल ऑफिसर मदन शर्मा पर हमला करने वाले 6 के 6 शिवसैनिकों को पुलिस स्टेशन में ही जमानत हो गई। वाह, क्या नौटंकी है ठाकरे सरकार के, वहां पत्रकार को 4-4 दिन जमानत नहीं होती और यहाँ पर वाह रे ठाकरे सरकार। महाराष्ट्र में जो बॉर्डर पर है, पिछले 5-3 महीने में 5 हमले हुए हैं, ये 5वां है।
मदन शर्मा पर जो हमला हुआ है उनको वापस अरेस्ट करके उन पर प्रोसिक्यूशन का नॉन बेलेबल चार्जेस पर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसलिए हम लड़ते रहेंगे। कल हम लोग पूरे महाराष्ट्र के माजी सैनिक का और सैनिक का हम लोग एक वेबिनार पर मीटिंग ले रहे हैं इसका कंडेम करने के लिए और सरकार से मांग करने के लिए। इस घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में उबाल है, पूर्व सैनिकों में उबाल है। पूर्व सैनिक की तैयारी कर रहे हैं कि अब उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। इस बीच एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ये साफ तौर पर कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपको बता दें कि विवादों में इस वक्त सरकार है और जांच में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, विवादों में किस तरह से आई सरकार। पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर विवादों में आई, फिर कंगना रनौत के मामले को लेकर सरकार विवादों में आई। हमने देखा कि कैसे कंगना रनौत का जो दफ्तर था उसको तोड़ दिया गया और अब कंगना रनौत ने भी इस पर रिएक्शन दिया। जिस तरीके से एक पूर्व नेवी अफसर के साथ गुंडागर्दी हुई है उस पर कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर सीधा अटैक किया, उन्हें कटघरे में सवालों के घेरे में पड़ा दिया। सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मैं यही चाहती हूं कि सत्ता और राजनीति से परे, यहां पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। और आज मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। मुझे जवाब चाहिए कि उद्धव सेना की यह गुंडागर्दी कब रुकेगी। मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि क्या पूर्व सैनिकों का कोई सम्मान नहीं है महाराष्ट्र में? क्या शिव सैनिकों की नजर में पूर्व सैनिकों का कोई सम्मान नहीं है? और मुझे जवाब इस बात का भी चाहिए कि क्या सरकार है तो कुछ भी करोगे, किसी के घर में घुसोगे, उसको मार दोगे? हमारे साथ इस वक्त चार मेहमान जुड़ गए हैं। रोहित चहल मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सेना साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हैं। एनसीपी इस वक्त सरकार में साथ दे रही है शिवसेना का, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार चल रही है। सर, मुझे सबसे पहले आप ही से सवाल करना है, बृजमोहन जी, क्या इसी तरीके से गुंडागर्दी चलेगी महाराष्ट्र में? आप सरकार का हिस्सा है, जवाब देंगे, आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे इस गुंडागर्दी के खिलाफ, या चुप्पी साधे रहेंगे जैसे कंगना के मामले में साधी हुई थी? सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कंगना जी के मामले में किसी ने चुप्पी नहीं साधी। जो उनके लिए जो कहा जाना चाहिए था वो हम लोगों ने कहा था। जहां तक बात इस मुद्दे पे है तो शिव सैनिक ने अगर कोई गलती की है तो उसको, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। आप इसको छोटा कर रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं, आप छोटा कर रहे हैं इसको, तभी तो उनको हल्की धाराएं लगाते हैं और जमानत मिल जाती है। आप गलती कह रहे हैं इसको, किसी के घर में घुसकर उसको मार दो, उसको पीटते पीटते बाहर ले जाओ, उसकी आंखें सुजा दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो और हम कहेंगे गलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सुनना नहीं चाहते आप, क्या चाहते जो आप बोल रहे हैं वो मैं कहूं उसमें? नहीं, हमें तो आप गलती कहेंगे तो वो भी मैं नहीं सुनूंगा। आप गलती कह रहे हैं इसको, ये गलती है। प्रश्न किया तो उसका जवाब सुनिए, गलती किसने की है, इसमें सरकार की क्या गलती है? कोई ये कोई, अरे आप कह रहे हैं कि शिव सैनिकों ने गलती की, ये गलती है। 40 लोगों को बगैर किसी बात के गिरफ्तार किया गया एनएसए में। इट इज नॉट एन स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये किसी कार्यकर्ता ने अगर किया और हम उसको कंडेम करते हैं, और सरकार ने एक क्षण नहीं लगाया उसको गिरफ्तार करने में, पुलिस ने और उसके बाद एक क्षण नहीं लगा जमानत मिलने में, एक क्षण नहीं लगा जमानत मिलने में। मिलेगी, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि? मैं तो ये चाहता हूं कि हर आदमी अपने घर में सुरक्षित महसूस करे। मैं तो ये चाहता हूं कि पूर्व सेना के अधिकारियों का सम्मान हो। पूर्व सेना के अधिकारी हैं, मैंने इससे इनकार नहीं कर रहा, उनका सम्मान है। हमारे लिए पूर्व सैनिक से मतलब नहीं है, देश के हर नागरिक के लिए सम्मान है और देश के हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए उस सैनिक की बेटी कहती है, इसीलिए उस सैनिक की बेटी कहती है कि मुझे डर लग रहा है, राष्ट्रपति शासन लगा दो महाराष्ट्र में। इसमें सरकार का कोई हाथ है या शिवसेना ने कोई आदेश जारी किया इस प्रकार की घटना करने के लिए? शह किसकी है, शह किसकी है? इन लोगों की, इन गुंडों की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि किसी के घर में घुस के मारपीट कर देते हैं उसके साथ? ये भी नहीं देखते हैं 60-65 साल का बुजुर्ग एक आदमी जो बॉर्डर पर खड़ा होकर अपना जीवन जिसने बिता दिया, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान लड़ा दी उसने बॉर्डर पर, उसको घर में घुसकर मारते हैं ये लोग? अरे यार, जान तो सभी लोग लगा रहे हैं, आप ये लगा रहे हैं क्या? जान मुद्दा नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा कि अगर किसी भी जान मुद्दा नहीं है, किसी की जान मुद्दा नहीं है। कमाल करते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, कमाल कर देते हैं, कमाल कर दिया आपने। एसपी सिन्हा साहब, मैं चाहूंगा आप इसमें इंटरवीन कीजिए। ये कहते हैं जान का मुद्दा है ही नहीं और ये तो गलती है।
सरकार जो कर सकती है सरकार ने किया है, बताइए आप इसमें सरकार मैं चाहता हूँ जो वारदात हुआ है, घटना हुई है उसकी एक सेकेंड मुझे बोलने दीजिए। पहले जो वारदात हुआ उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, ये बहुत निंदनीय है, पहली बात यह है। दूसरी बात जो मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहता हूँ, क्या इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं है? क्या यदि कानून का जो रक्षक है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, यदि कानून के रक्षक कानून का भक्षक बन जाते हैं तो क्या यह सही है? क्या ये जीरो टॉलरेंस निंदा के तरफ ये नहीं दिखाता है कि आपका जीरो टॉलरेंस है शिवसेना का? क्या इसी तरह से सम्मान करते हैं वेटरन्स का जो पिता तुल्य है, 65-70 साल की उनकी उम्र होगी, आप उसके घर में जाके उसको मारते हैं? क्या ये सच नहीं है कि बाला साहब जो हिंदू सम्राट माने जाते हैं उन्होंने अपना करियर कार्टून के माध्यम से शुरू किया, बनाने के माध्यम से? बिल्कुल। उस समय आपके शिवसैनिक लोग क्यों नहीं आपत्तिजनक आपत्ति उठाए? एक और बिंदु, एक भगवान राम थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और हिंदू के मर्यादा के स्वरूप हैं, एक धोबी के कहने पे माता सीता मैया का उन्होंने त्याग कर दिया, एक तो वो उदाहरण था। और अभी जो है हिंदुस्तान में यदि कोई कार्टून फॉरवर्ड करता है तो उसके घर में घुस के उसको मारा जाता है। मोदी जी की तो लोगों ने इतनी निंदा की, प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने कुछ किया? मौन व्रत में रहे, क्योंकि प्रजातंत्र में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है उसको सम्मान करना पड़ता है, ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पत्नी से हमें हमेशा 100% सहमत होते हैं, बेटे से साथ सहमत होते हैं, भाइयों के साथ सहमत होते हैं? विवाद तो स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल प्रकृति है, तो उसको इसका क्या मतलब है? डंडा उठाइए, मारने लग जाइए, क्या प्रजातंत्र में यही चलेगा? क्या किसी को बोलने का और कार्टून फॉरवर्ड करने का कोई ये नहीं है? ब्रजमोहन जी जवाब दीजिए, सिखाता है, जवाब दीजिए। एक पूर्व सैनिक आपसे जवाब मांग रहे हैं, वो शख्स आपसे जवाब मांग रहे हैं जिन्होंने अपनी जान लड़ाई थी बॉर्डर पर, वो आपसे जवाब मांग रहे हैं। आप सरकार का हिस्सा, जवाब देना चाहिए आपको। सरकार ने गिरफ्तार करके रखे उसके खिलाफ भी तो आवाज उठाइए, उसके मामले में भी तो बोलिए। आपको महाराष्ट्र में प्रजातंत्र खतरे में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा? मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। जिनको मारा है उनकी बेटी को दिख रहा है, उनके बेटे को दिख रहा है, जिसके घर में घुसकर मारा गया है उसको दिखेगा? नहीं दिखेगा। घटना घटी है जिसमें तत्काल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, एक क्षण की देरी नहीं की है। और आप एक अगर आवाज उठाना तो उत्तर प्रदेश में आवाज उठाइए, मेरठ के उस लड़के की आवाज उठाइए जिसने प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र में तो राम राज्य है इसलिए आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं है, है ना रोहित चहल? महाराष्ट्र में आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, वहां तो राम राज्य है, शिव सैनिकों ने राम राज्य स्थापित किया हुआ है वहां पर, इसलिए आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अब रोहित जी को चुका है, सुन लीजिए एक बार। देखिए मुझे लगता है कि जो आज ये सोनिया सेना और नॉटी सेना कह लीजिए, शिव सेना जो एक है, जो जिस तरीके से आज जो गुंडागर्दी आज महाराष्ट्र के अंदर कर रही है, और सबसे दुखद क्या है कि आज महाराष्ट्र के अंदर ना साधु सुरक्षित है ना सैनिक सुरक्षित है, देश के साधु भी पे भी हमला हो रहा है, लिंचिंग हो रही है साधुओं के पालघर के अंदर, और सेना के जो पूर्व सैनिक है उनको उनकी भी लिंचिंग की जा रही है खुलेआम महाराष्ट्र के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि जो मातोश्री जो थी शिवसेना जो जानी जाती थी बाला साहब के समय में, आज उद्धव ठाकरे के समय वो मातोश्री बदल गई है, वो सोनिया जी बन गई है। आज जो महाराष्ट्र से उठ के सोनिया जी के घर तक मातोश्री पहुंच गई है और नतमस्तक हो गई है शिवसेना सोनिया जी के आगे, जिस तरीके से भीगी बिल्ली बन के सोनिया जी के घर के आगे बंद गई है और आवाज नहीं निकल रही है। सोनिया गांधी के इशारे पे क्या है सब कुछ हो रहा है? सबसे दुखद क्या है, सबसे बड़ी बात है कंगना रनौत ये कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी सबसे ज्यादा सम्मान महिलाओं का करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे ज्यादा सम्मान, जिस तरीके से हमने देखा बाला साहब ठाकरे जो हो, बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, जिस तरीके से पालघर में साधुओं की हत्या होती है और शिवसेना मौन रहती है, उसके बाद ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले लोग जो है आज ये कह रहे हैं कि केस लगा दिए। अरे शर्म करिए, पत्रकारों के ऊपर वहां पे ठूसा जा रहा है, जेलों के अंदर भरा जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर केस लगाए जा रहे हैं और जी केस लगा लगा के बसाया जा रहा है। और सबसे दुखद क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज लोकतंत्र की बात करने वाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले, अवार्ड वापसी करने वाले, आज वो कहां लिबरल सेक्युलर वो फेमिनिस्ट कहां है जो महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, एक सैनिक के ऊपर हमला हो रहा है और ये बात करते हैं शिवसेना? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को,
गोपाल ना साधु सुरक्षित है ना सैनिक सुरक्षित है महाराष्ट्र के अंदर, और आप महिलाओं का भी सम्मान नहीं कर सकते। चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। ठाकरे जी ने सही कहा था, जिस दिन गठबंधन होगा उस दिन जो है शिवसेना कांग्रेसीकरण हो जाएगा। आज ये कांग्रेसीकरण हो चुका है, और यहाँ पे बैठे ब्रिजेश जी क्या कह रहे हैं, अरे एचपी का मतलब भैया केस लगा दिए, क्या आतंकवादियों के ऊपर केस लगा रखा है, आज इनको आतंकवादियों से प्रेम आ रहा है, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। और सुन लो, देश देख रहा है किस तरीके से सैनिकों का अपमान महाराष्ट्र के अंदर किया जा रहा है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। किस तरीके से संजीव कौशिक से मेरा सवाल है, रोहित भाई मैं आपके पास आऊंगा, रोहित भाई आपके पास आऊंगा, संजीव कौशिक के पास जा रहा हूं, उनसे सवाल है। संजीव जी, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आपका कांग्रेस के प्रति रहता है, यहां पर कांग्रेस भी सरकार का हिस्सा है महाराष्ट्र में, लेकिन चूं तक नहीं निकली इस मामले में जबान से कांग्रेस के। एक सैनिक को घर में घुसकर मारा पीटा जा रहा है, लेकिन चूं तक नहीं निकली है कांग्रेस की जबान से, क्यों? अधिकारी के साथ यदि इस तरह की घटना हुई है, यह निंदा के योग्य है और उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या कार्रवाई नहीं हुई, त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने संजीदगी दिखाई या नहीं दिखाई। दूसरी बात कि जो ही इस मामले में यदि उनके घर के और परिवार के लोगों का स्टेटमेंट ये आता है कि नहीं इस मामले के वजह से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाए, तुरंत सारे मायने बदल जाते हैं इसके। ये एक पॉलिटिकल लाइन ले ली जाती है, क्या पूरे महाराष्ट्र में यही दिखेगी है, क्या घर घर में मार रहे हैं, आपको ये नहीं दिखेगा, किसी का सम्मान नहीं कर रहा है, मेरी बात, बेटी का डर नहीं दिखेगा आपको, उस बेटी का डर नहीं दिखेगा जिसके जिसकी आंखों के सामने उसके पिता को मारा जाता है, आपको उस बेटे का भय नहीं दिखेगा जिसके सामने उसके पिता का कॉलर पकड़कर उसको घसीट कर बाहर ले जाया जाता है, आपको उन लोगों का डर नहीं दिखेगा, आपको राजनीति दिखेगी इस मामले में। मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई आदमी उस बेटी के साथ सहानुभूति भी है और उसका डर भी दिखाई देता है, लेकिन जब वो बेटी उस बेटी के साथ सहानुभूति भी है और उसका डर भी दिखाई देता है, लेकिन जब वही बेटी राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करने लगती है, क्या कहे बीजेपी, क्या कहे दरवाजा खुला है आओ दोबारा मारो लगता है, वो क्या कहे बेटी, दरवाजा खुला है आओ दोबारा मारो मेरे बाप को, बताइए ना ये कहे वो बेटी, अभी सुन रहे थे वो ये कहे बेटी, और क्या कहे बेटी, रोहित चहल को अभी हम सुन रहे थे, पिता भी अस्पताल में है, पिता भी अस्पताल में दिखाई देती है और मारने वाले सड़कों पर खुले घूम रहे हैं, दिखाई देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अस्पताल में और मारने वालों को जमानत मिल जाती है, छुट्टियों में जमानत मिल जाती है, क्यों हल्की धारा लगाई जाती है, लॉ एंड आप बताइए ना मुझे, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के लिए चार लाइन लिखने पर उत्तर प्रदेश से पुलिस आती है और महाराष्ट्र का जवाब दीजिए, मुझे महाराष्ट्र का जवाब दीजिए, आपको आपके पास जवाब नहीं है महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, सरकार ने कार्रवाई की है, महाराष्ट्र का जवाब नहीं है, बिल्कुल निंदनीय है, आपके पास जवाब ही नहीं है, सरकार ने कार्रवाई की है, आपके पास जवाब ही नहीं है, आपको महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगना चाहिए, आपको महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगना चाहिए, इतनी हिम्मत कैसे हो गई इन गुंडों की कि किसी के घर में घुसकर उसको मारेंगे, कैसे इतनी हिम्मत हो गई इन गुंडों की, साहब गिरफ्तार किया, आप जवाब मांगिए महाराष्ट्र सरकार से, कैसे इन गुंडों की हिम्मत हुई किसी के घर में घुसकर उसको मारने की, उसको सजा मिलेगी, उसके लिए उसको सजा मिलेगी, पुलिस ने अपनी कार पुलिस ने कार्रवाई किया नहीं की, मेरा सवाल यह है कि हिम्मत आती कहां से, क्या पुलिस ने इस हिम्मत आती कहां से, महाराष्ट्र में यही स्थिति है, क्या ये हिम्मत आती कहां से, एक नहीं है, ये देखिए लिस्ट लेके बैठा हूं पूरी, कब क्या हुआ अभी सुनिए 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 मेरी बात, दिसंबर 2013 में वडाला में हुआ था, एक आदमी का सिर मुड़ दिया गया, क्यों, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए कुछ फेसबुक पर लिख दिया था, सुनिए मेरी बात, दिसंबर 2019 में एक और केस हुआ बीड में सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे की आलोचना की जाती है तो एक शख्स पर काली स्याही से उसको नहला दिया जाता है, एक और सुनिए, मई 2020 अभी की बात कर रहा हूं, यवतमाल की बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए जरा ध्यान से, कुछ दुकानदार ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति ठीक नहीं है, सरकार कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ कर देते हैं शिवसैनिक, ये सच्चाई है, एक नहीं है हजारों ऐसी घटनाएं हैं, गिन लीजिए पीछे से अब तक, ये तो मैं अभी दो चार चीजें रखी आपके सामने मैंने, रोहित भाई देश की जनता खूब समझ रही है कि एक छोटे से केस को बताइए, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी, सरकार नहीं बना, रोहित जी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाने का फ्रस्ट्रेशन है, आप इंटरव्यू कीजिए, रोहित चलिए कह रहे हैं छोटी सी घटना, ब्रिजमोहन जी कहते हैं गलती, ये कहते हैं छोटी सी घटना, ब्रिजमोहन जी कहते हैं गलती, ये कहते हैं छोटी सी घटना, ये क्या हो रहा है रोहित जी, ये क्या हो रहा है, इतने सत्ता के भूखे नागरिकों को ऊपर गलाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा मामला आया उसमें बिहार को घुसेड़ दिया उन्होंने,
संजीव जी सुन लीजिए, आप अगर यही चाहते हैं तो अगर इसी तरीके डिबेट करनी तो बता दीजिए, आप यहीं पे आप नोटी होना चाहते हैं, यहाँ पे लिंचिंग करना चाहते हैं मेरी मिलकर, तो बता दीजिए, आप लिंचिंग करने में विश्वास रखते हैं आप लोग तो। बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। सिखों की लिंचिंग करी, वो कहां पे कश्मीरी पंडितों की लिंचिंग कराया, महाराष्ट्र के अंदर साधुओं की करा रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर क्या दे रहे, सुनिए। देखिए आप लोग आज कह रहे हैं छोटी सी घटना, आप वो कह रहे हैं कि एक किस तरीके से वो ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि भैया एक हादसा, अरे भैया शर्म आनी चाहिए, गलती कह रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए। किस तरीके से पूर्व सैनिक जो हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति से सलाह करने की बात करेंगे, वो लड़की इस वजह से पूरे महाराष्ट्र में देश के लगा दिया, पूरे महाराष्ट्र में इसके चलते राष्ट्रपति से सलाह करने की बात करेंगे आप? आप ये कह रहे हैं छोटी सी, कौन सी बेशर्मी है, आप कौन सी भाषा है, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं और किसके बोल रहे हैं? अरे कौन नहीं समझ रहा है इस तरह की बात, खुद इस तरह की बात को जो शह दिया जा रहा है, कौन नहीं समझ रहा है कि आप राजनीति के लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं? लगातार कभी सुशांत सिंह के बहाने, कभी कंगना के बहाने, आज एक पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर के बहाने, आज जिस तरीके से एक छोटे कार्टून के ऊपर गलत क्या बनाया, क्या उद्धव ठाकरे जी आरती नहीं उतार रहे? आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रही है, एक राज्य में सरकार नहीं बनी, मिलाकर सत्ता के लिए इतना लड़ाई मत होइए, सत्ता के लिए इतना परेशान मत होइए, चलाने दीजिए, काम करने दीजिए, जनता ने जीतने में लगे बैठा है, शर्म आनी चाहिए। आप वहाँ पे सारी एक रिएक्शन इस पर जनरल सिन्हा का मैं लेना चाहूंगा। जनरल सिन्हा, अभी आपने सुना, एक कहता है गलती और दूसरा कहता है कि छोटी सी घटना। आपको माइंडसेट समझ में आ रहा है जरा? इन लोगों का माइंडसेट समझ में आ रहा है सर? मुझे तो ताज्जुब लगता है कि अपने एक भाई साहब जो बैठे हैं शिवसेना की तरफ से बोल रहे हैं कि ये छोटी सी घटना है। एक वेटरन के घर में घुस के उसको उठा के मारा जाता है, उसका दाहिना का रेटिना पूरा खून से लपालप हो जाता है, अस्पताल में दाखिला होता है, इसको छोटी घटना मानते हैं? जिस आदमी ने देश को सुरक्षित किया वो सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, या छोटी घटना मानते हैं? ये क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके चलते आप राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेंगे या उस अपराधी को पकड़ के सजा दिलाने की कोशिश करेंगे? इस मामले में उस अपराधी को पकड़ के सजा दिलाने की आप बात करेंगे? एक सेकंड ठहरिए, मुझे बोलने दीजिए एक सेकंड सुनिए। जनरल सिन्हा को मैं राजनीति में नहीं घुसना चाहता, मैं फौजी हूं दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक फौजी की तरह बात कर रहा हूं और फौजी के सम्मान के को बरकरार करने की बात कर रहा हूं। कितना घटिया प्रदर्शन किया गया है के नाम पे फौजी के घर में घुस के उसकी बात कर रहा हूं, एक फौजी के नाम पर जो राजनीति करी जा रही है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अरे सर आपको फौज में राजनीति नजर आती है सर? कैसी बातें करते हैं आप संजीव सिन्हा? ये राजनीति कैसी बातें आप करते हैं? फौज में राजनीति है संजीव, कैसी बातें कर रहे हैं आप? खड़े होइए, उसको राजनीति में घसीट रहे हैं आप, उसको आप उसको पकड़वाइए, सजा फौजी को राजनीति से क्या मतलब? बात करेंगे आप कहां घसीट रहे हैं संजीव कौशिक? आप करने की बात करेंगे इसे? आपको पता है जिन आरोपियों को जमानत मिली है, दो को थाने से जमानत दे दी गई, शासन लागू करवाने की बात, दो को थाने से जमानत दे दी गई, जाना है दो लोगों को थाने से जमानत दे दी गई, कैसे वो परिवार सुरक्षित महसूस करेगा? कैसे वो परिवार सुरक्षित महसूस करेगा? सुनिए मत कीजिए, उस फौजी की बेटी की मांग क्या है? उस फौजी की बेटी की मांग क्या है आप बताइए मुझे? उस फौजी की बेटी की मांग क्या है? नहीं तो नहीं, उस फौजी की बेटी की मांग ये होनी चाहिए, नहीं आओ मेरे पिता को दोबारा मारो, ये मांग होनी चाहिए, नहीं आओ मेरे पिता को दोबारा मारो, छोड़ दो उन गुंडों को खुला ताकि वो फिर से आए और फिर से मारे, तो फिर से कॉलर पकड़े, फिर से घसीटे। इमरजेंसी पूरे महाराष्ट्र में इमरजेंसी पैदा हो गई है सर। जिस पर बीतती है ना वो समझता है। आपको छोटी सी घटना लगती है? अब रुकिए जरा सुनिए वो क्या कह रही है बेटी। हमारी संवाददाता ने उस बेटी से बात की है, उस फौजी की बेटी से बात की है, जरा सुनिए वो कितने डर में और क्या कह रही है वो। शीला आपने क्या देखा था, कैसे हुआ था? मैंने देखा नहीं था, मेरे डैड ने गए थे बाहर और उनके ऊपर अटैक हुआ है। और कितनी बेरहमी से पीटा है? वो तो आपने देखा होगा सीसीटीवी में कि कैसे मारे हैं उनको, एक सीनियर सिटीजन को उन्होंने कैसे मारा है। सबकी जिस तरीके से मारा है उसके बाद आपने कुछ सुना शिवसैनिक क्या कह रहे थे? जी आरएसएस का आरएसएस वाला है ये और बीजेपी वाला है, इसलिए इसको मारो करके बोल रहे थे। तो उनको ये पोस्ट कहाँ पे आई थी और कैसे उन्होंने पोस्ट की? वो फॉरवर्ड मैसेज था तो वो फॉरवर्ड कर दिया बस कैजुअली, ऐसा कुछ इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया, कमेंट भी नहीं किया था।
आपने सुना कि शीला शर्मा का खास तौर पर यही कहना है कि जो उनको जो है मैसेज आया था वो सिर्फ उन्होंने फॉरवर्ड करने का काम जो है वो किया था। तो एक मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया एक पूर्व सैनिक ने, एक पूर्व नौसेना के अधिकारी ने, तो उनका यह हाल कर दिया कि पीट पीट कर अस्पताल में पहुंचा दिया। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आवाज सुनी आपने उस बेटी की? गले से आवाज नहीं निकल रही है डर के मारे। ये होता है डर, ये होता है शिवसेना का डर मुंबई में, ये होता है गुंडागर्दी का डर, और आपको लगता है गलती। आप बहुत बोल चुके, 139 आप नहीं बोलेंगे तो सर हमको तो बोलना ही पड़ेगा। आप चुप्पी साधेंगे, हमको बोलना पड़ेगा। खाली 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 सरकार के खिलाफ उन्होंने विचारों ने आवाज उठाई, कभी उनके बारे में भी तो चर्चा करा लीजिए। वो 139 लोग कौन है? जब अभी इनके बारे में चर्चा हो रही तो आप कहेंगे उनके बारे में, उनके बारे में कहेंगे और तीसरे के बारे में, बस ऐसे गोल गोल घुमाते हैं आप। उन 139 लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम आपको? गोल गोल मत घुमाइए, इस पर बात कीजिए अभी जो बात हो रही है। आपको आवाज में डर महसूस नहीं हुआ उस बेटी की? बताइए बताइए, आज आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है भाई साहब। आपको आवाज में डर महसूस हुआ बेटी की नहीं हुआ? आवाज आ रही है मेरी? शायद ऐसी जनता की आवाज भी नहीं जाती होगी इनके कानों में, इसलिए किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। रोहित चहल जी, रोहित जी बिल्कुल सही कहा, इनके पास आवाज नहीं जाएगी क्योंकि बेटी की बात है ना, बेटी को कंगना के ऊपर तो हमला इन्होंने करा है, तो इनको बेटी के बाद दुख नहीं सुनाई देगा। अब जहां तक संजीव जी की बात की, संजीव जी जो कांग्रेस के घोषित प्रवक्ता यहां पे बैठे हुए हैं, देखिए संजीव जी जो है जिस तरीके से उन्होंने कहा छोटी सी घटना है, देखिए बिल्कुल इनके लिए छोटी घटना हो सकती है क्योंकि ये वही लोग हैं जो सेना के अध्यक्ष को, संदीप दीक्षित जो इनके नेता, वो सुरक्षा गुंडा कह देते हैं, किस तरीके से गुलाम नबी आजाद कहते हैं, और सैफुद्दीन सूस की भैया सैनिकों आतंकवादियों का नागरिकों ज्यादा मांगती है, ये एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने लग जाते हैं, किस तरीके से सेना को लगातार सेना के ऊपर सवाल उठाने का काम, की सेना तो कुछ कर ही नहीं रही है। राहुल गांधी देख लीजिए, राहुल गांधी को सेना के शौर्य पराक्रम पे भरोसा नहीं है, लेकिन अपने चीनी जो उनके भाई बहन है जिनकी दलाली खाए बैठे यहाँ पर गांधी परिवार, उनके ऊपर ज्यादा भरोसा है। तो वही चीज है ना, तो चाहे संजीव सिन्हा जी हो, चाहे ये जो एनसीपी के ब्रिजेश जी बैठे हैं, इनको सेना से कोई नहीं, इनके लिए छोटी सी घटना हो सकती है। जिस सैनिक ने पूरा जीवन लगा दिया, जिस सेना की वजह से आज हम लोग सुरक्षित खड़े हैं भारत में, यहाँ बैठे हैं, यहाँ डिबेट कर रहे हैं, आप बताइए ना मुझे, कोई मतलब नहीं। आप बताइए ना कि आप न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं या अनुशासन मैटर करता है? अरे शर्म आनी चाहिए, अरे भैया आपके लिए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगो, आपको सारी समस्याओं का जड़ दिखता है महाराष्ट्र के नेता, केवल सरकार दिखाई देती है आपको, आपको दूसरे स्टेट में सरकार जो कर रही है वो दिखाई नहीं रही आपको, आप चिल्लाएंगे लगातार लगातार एक साथ में इसी तरह की बात करते हैं। साधुओं के मामले में आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई देगा, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में महाराष्ट्र दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश आपको दिखाई नहीं देगा। आप अपने मन से जब सिलेक्टिव आपको चुनना है तो चुनिए। आप बेटी का सम्मान कंगना रानावत जो देश की बेटी है उसका दुख दिखाई दे रहा है। आप क्यों गए थे सैनिक, आप क्यों गए थे 2013 में भगत सिंह कोश्यारी के साथ, आप क्यों गए थे ये बताएंगे? सोनिया जी का आप बताएंगे, सोनिया जी आप बताएंगे, सबसे ज्यादा चाइना का यदि कहीं इन्वेस्टमेंट है तो गुजरात में क्यों है ऐसा बताएंगे आप? अरे साहब देश की जनता समझ रही है, सबसे ज्यादा चीन का इन्वेस्टमेंट गुजरात में क्यों है बताएंगे आप मुझे? आप लोग 2013 में 17 सदस्यीय टीम को लेकर भगत सिंह कोश्यारी के साथ क्यों गए थे बताएंगे आप? क्या सीखने गए थे? क्या सीखने गए थे? देश के प्रधानमंत्री अभी तक तकरीबन 17 बार से ज्यादा चाइना को बख्शने वाला नहीं है। इस वक्त चुप्पी है वो सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है, चुप्पी है सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है कि क्यों इस मामले में चुप्पी साधी हुई है, जो जो शिवसेना के सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस, उनकी चुप्पी क्यों है इस मामले में? क्या उनकी नजर में एक पूर्व फौजी की कोई इज्जत कोई सम्मान नहीं है? इस पर हम लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर, पहले एक नजर। बड़ी खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, लैब केयर, आईटी स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स और एमडीएच हल्दी मिर्च धनिया, बढ़िया है शुद्ध है असली मसाले सच सच, एमडीएच एमडीएच। सुशांत केस में ड्रग रैकेट की पड़ताल कर रही एनसीबी का बड़ा एक्शन, शौविक के दोस्त करणजीत को हिरासत में लिया गया, शौविक को ड्रग्स मुहैया कराने का आरोप। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी का बड़ा एक्शन, रिया के खुलासे के बाद मुंबई और गोवा में 8 जगहों पर छापेमारी, 2 ड्रग पेडलर्स भी हिरासत में।
बीजेपी में शामिल हो सकती हैं कंगना रनौत। सूत्रों के हवाले से खबर, 14 सितंबर को होने वाली बैठक में होगा फैसला। कंगना की मां पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले चिराग पासवान, महाराष्ट्र में लगे राष्ट्रपति शासन, संसद के मानसून सत्र में करेंगे मांग, सीएम उद्धव को स्पष्ट करनी चाहिए स्थिति। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने लिया किया कैंपेन का आगाज, थीम सॉन्ग भी जारी किया, टिकट बंटवारे को लेकर सहमति बनी। मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी से मारपीट के आरोपी शिवसेना के कार्यकर्ताओं को कुछ ही घंटों में जमानत मिली, विरोध में पीड़ित की बेटी धरने पर बैठी। तो मुंबई में पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा के साथ मारपीट के मामले में मुंबई पुलिस के दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने बीजेपी विधायक अतुल भटकर से बातचीत की है। अफसर मदन शर्मा की जिस तरीके से मारपीट हुई है उसमें 6 शिवसेना के जो शिवसैनिक गिरफ्तार हुए थे उन्हें छोड़ दिया गया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं मुंबई का जो पुलिस ऑफिस है यहाँ पर, यानी अरिसर पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है, यहाँ पर बीजेपी के लोग हंगामा कर रहे थे और यहाँ पर धरना दे रहे थे ताकि साफ है कि सेक्शन लगाया जाए। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक अतुल भालतकर साहब मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से मीटिंग हुई, लगता है कि मीटिंग के बाद कुछ निष्कर्ष निकल पा रहा है? नहीं, हमने मीटिंग इसके लिए की थी कि नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाने चाहिए, पुलिस ने अवेलेबल सेक्शन लगाए तो जिन्होंने मारा वो आज रास्ते पे घूम रहे, और जिसको मारा वो बेचारा हॉस्पिटल में है और वो भी निवृत्त सैनिक अधिकारी है, और इसके लिए ट्रेसपासिंग का और 426 का नॉन अवेलेबल सेक्शन लगना चाहिए, ये हमारी मांग है। आज उन्होंने शुरुआत में वो मान्य नहीं की, हमने यहाँ धरना रखा, अभी उन्होंने नीचे आके ये बताया कि ट्रेसपासिंग का जो सेक्शन है वो हम लगाएंगे, 426 के बारे में वो हमको आने वाले दिन में बताएंगे, वो यदि ये नहीं करेंगे तो हम हमारा आंदोलन चालू रखेंगे, हम उच्च न्यायालय में के दरवाजे पे खटखटाएंगे और मंडे को पूरे महाराष्ट्र में माजी सैनिकों का अपमान करने के लिए शिवसेना ने सैनिकों का, जवानों का और पूर्व जवानों की माफी मांगनी चाहिए, इसके लिए भी हम धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। तो आप लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल, न्याय मिलना ही चाहिए। ये गुंडागर्दी का जो मुंबई और महाराष्ट्र में राज चल रहा है वो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल, देख रहे हैं अतुल भादकर साहब साफ कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में अब यह बर्दाश्त नहीं होने वाला है, और यही कारण है अगर सही तरीके से न्याय नहीं हुआ तो सोमवार को पूरे महाराष्ट्र भर में माजी सैनिकों यानी पूर्व जो सेना के लोग हैं उनके साथ पूरी तरीके से मार्च किया जाएगा और विरोध भी किया जाएगा ताकि इस पूरे मामले पर मदन शर्मा को सही तरीके से न्याय मिले। तो पूर्व नेवी अफसर के साथ मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। बेटी धरने पर बैठी हुई है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जनरल सिन्हा के पास में चलूंगा। जनरल सिन्हा, इस तरह के जो गूंज होते हैं, ये फ्रिंज एलिमेंट्स जो होते हैं, या मैं शुद्ध हिंदी में कहूं तो इस तरह के जो गुंडे होते हैं, इनमें इस तरह की हिम्मत आती कहां से है? कहीं ना कहीं बैकअप होता होगा ना, तभी तो इतनी हिम्मत आ गई कि एक पूर्व सैनिक के घर में घुसकर उसको इतनी तरह से अच्छी तरह से उसको पीटा, उनको मारा पीटा, और अब उनको तुरंत जमानत भी मिल जाती है। एकदम, देखिए जब तक बहुत ऊंचे स्तर से सह नहीं मिला होगा तब तक किसी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि एक फौजी के घर में घुस के उसको खींच के बाहर निकाले, मारे और उसका दाहिना आंख जो रेटिना था वो लाल खून से पूरी तरह से फैला हुआ था और वो अस्पताल में दाखिला उनका हो रखा है। सवाल ये पैदा होता है, देखिए कई महत्वपूर्ण बिंदु सवाल उठते हैं इस वारदात के साथ। पहला चीज कि क्या जो कानून के जिनको रक्षक होना चाहिए वो भक्षक हो जाएं? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट प्रॉब्लम, स्टेट जिम्मेवारी है। बिल्कुल है, जो जिसका काम है कानून को सुरक्षित रखना, वो यदि कानून का भक्षक बन जाता है तो राष्ट्र ये अपना राज्य का क्या होगा? दूसरी बिंदु कि आप एक फौजी के घर में उस बेचारे ने क्या किया, खाली फॉरवर्ड किया, उसके लिए यदि कोई विवाद है आप उससे एक्सप्लेनेशन पूछिए, क्या है, आप इसको सपोर्ट करते नहीं करते, कुछ बातचीत कीजिए। आप उसके घर में घुस के इस तरह से बेरहमी से नहीं मार सकते, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। दूसरा चीज है, आपने सही कहा, ये ट्रेसपासिंग है जो कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। द वेरी फैक्ट कि इनको पुलिस ले गई और कई घंटों के अंदर छोड़ दिया, इसका मतलब थाने से जमानत मिल गई दो लोगों को थाने से जमानत मिल जाती है शिवसेना का। तो
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से तो सह मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पुलिस को हुक्म गया है। देखिए पुलिस तो कठपुतली होती है, सरकार के इशारे पे नाचती है, राज्य सरकार के इशारे पे नाच रही है, उसको तो अपनी नौकरी बचानी है। बट धिक्कार है ऐसे सिस्टम को कि जो फौजी को का सम्मान एकदम शून्य हो गया है, जो फौजी देश को सुरक्षित किए वो अपने घर में रिटायरिंग के बाद सुरक्षित नहीं है, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं अब देशवासियों को? बिल्कुल, कि जब रिटायर किए तो तुम सुरक्षित नहीं हो, जब तक तुम सेना में हो तब तक सुरक्षित संजीव हो। आप इतनी पैरवी कर रहे हैं, बताइए ना क्या संदेश जाएगा, क्या संदेश जाएगा देश के लोगों में, क्या संदेश जाएगा महाराष्ट्र के लोगों में, क्या संदेश जाएगा पूर्व सैनिकों में? आप कहिए, आप मेरे पीछे पीछे कहिए कि ये जो किया गलत किया, शिवसेना के गुंडों ने गलत किया, बोलिए आप बताइए ना। हम सिन्हा जी से ही पूछ लेते हैं, आप बोलिए शिवसेना के गुंडों ने गलत किया है कि सिन्हा जी जितना क्लियर बोल रहे हैं कि पुलिस राज्य सरकार के अधीन काम करती है, उसे सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। नहीं, पहले आप बोलिए कि शिवसेना के गुंडों ने गलत किया, निरी होती है उसको जैसे सरकार जैसे नचाती है चलाती है चलाती है, तो केवल महाराष्ट्र में ये लागू होता है या दूसरे अन्य स्टेट में भी लागू होता है? अभी अभी कहां, अभी कहां की हम बात कर रहे हैं, अभी हम कहां की बात कर रहे हैं? वो बार बार ये कहने के, वो बार बार अभी हम कहां की बात कर रहे हैं? प्यास लगेगी पानी पिएंगे कि खाना खाएंगे? कहने की कोशिश कर रहे हैं, प्यास लगेगी पानी पिएंगे कि खाना खाएंगे? हम कहां की बात कर रहे हैं, वहां की बात कीजिए। कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? वो गोल पोस्ट से ऊपर से मतलब मुख्यमंत्री का आदेश था, ऊपर से मतलब मुख्यमंत्री का आदेश था कि इस तरह की गुंडागर्दी करो। नहीं नहीं, ऊपर से मतलब कि मुख्यमंत्री का आदेश मिलती है मुझे? अच्छा मुझे बताइए, लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आती है? संजीव कौशिक, संजीव कौशिक ये बताइए, इतनी हिम्मत कहां से आई? इतनी हिम्मत कहां से आई? उनको क्यों डर नहीं था कि हमारा कुछ नहीं होगा? उनको क्यों डर था हमारा कुछ नहीं होगा? अगर कोई आदमी किसी के घर में घुसकर उसको मारता है, रोहित जी, उसको घर में घुसकर मारता है, तो इसका मतलब उसे डर नहीं है किसी भी चीज का? उसको पता है हमारा कुछ नहीं होने वाला है? जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए रोहित जी। मैं बार बार अगर शिवसेना की नजरों में, अगर शिवसेना की नजरों में सेना का पूर्व सैनिकों का जरा भी सम्मान है, तो इस पर माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? इस पर राजनीतिक, इस पर माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? आप राजनीतिक, इस पर माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, ये बताइए मुझे आप। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गलत हुआ है, मांगनी चाहिए माफी, तो क्यों नहीं मांग रहे हैं माफी? क्यों नहीं मांग रहे माफी? लेकिन जो राजनीतिक लाभ लेने की बात नहीं कर रहा है, और ये कोई बोल नहीं रहा है, हमने डिबेट के लिए बुलाया नहीं आया कोई भी, चाहे सिन्हा कोई बात नहीं कर रहा है, हमने बुलाया डिबेट के लिए शिवसैनिक को, कोई नहीं आया, मारने के लिए घर में पहुंच जाते हैं, यहाँ जवाब देना पड़ेगा ना, इसलिए नहीं आ रहा कोई भी। वो करे या नहीं करे, मैं कह रहा आप उनको डिफेंड करते हैं, ये निंदनीय है, नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसीलिए तो सवाल इसीलिए उठ रहा है कि हो रहा है, सवाल इसीलिए उठ रहा है कि हो रहा है, इसीलिए सवाल उठ रहा है, आप समझ ही नहीं रहे बात को। वो माफी नहीं मांगेंगे, उठाएंगे वो माफी नहीं मांगेंगे तो आप राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करेंगे? आप घूम फिर के वहां पर, सर जिसके घर में होता है ना, जिसके घर में होता है वो समझता है, ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री जिसके घर में होता है वो समझता है। हमने यहाँ तस्वीरें देखी तब हम उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं। एक पैंसठ साल के बुजुर्ग का जिसने सम्मान के साथ सेना में नौकरी की, जिसने अपनी जान लड़ाई बॉर्डर पर ताकि यहाँ पर हम लोग पूरे देशवासी, जिसमें महाराष्ट्र भी है, जिसमें उद्धव ठाकरे भी हैं, जिसमें शिवसैनिक भी हैं, वो सब सुरक्षित रह सकें, उसने जान लड़ाई बॉर्डर पर, और उसको कॉलर पकड़ के आप घसीटते हैं, शर्म नहीं आती है पूरे, और उस पर चुप रहते हैं सब लोग ऊपर वाले। प्रॉब्लम यही है कि साथ इस तरह की बात हुई और पूरे महाराष्ट्र को आप इसी रंग में रंगना चाहते हैं, ये गलत है। मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, एक के साथ बात हुई है और अब पूरे महाराष्ट्र को इसकी सजा देना चाहते हैं? किसी महाराष्ट्र की बात नहीं है, मैंने कहा है कि इस पर चुप्पी क्यों है? या बैठे हैं रोहित, क्या एक पूर्व सैनिक का सम्मान नहीं है? चल पूछ लीजिए, क्या शिवसेना की नजर में, क्या कांग्रेस की नजर में, क्या एनसीपी की नजर में, क्या महाराष्ट्र सरकार की नजर में एक पूर्व सैनिक का कोई सम्मान नहीं है? उसको उठा के घसीटा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, फिर बार बार कह रहा हूँ कि चुप हो जाएगा, बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। रोहित चहल बोलिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है नहीं, एक केस के बहाने पूरे महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। आप करते रहिए डिफेंड, हाँ दे रहे हैं संजीव जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरीके से आप लिंचिंग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, कृपया यहाँ पे मत करिएगा, यहाँ पे नॉटी मत होइएगा। मैंने आपको बहुत धैर्य सुना, कुछ नहीं बोला, सुनिएगा, देखिए सच सुनिएगा। ये सिन्हा जी ने, जो मेजर जनरल सिन्हा जी बैठे हैं, उनका पूरा सम्मान है, बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं आपको संजीव सुना, आप बोल लीजिए फिर, आप कहाँ से कहाँ जाएंगे आपको पता है? संजीव जी मैं बोलूँ, कहीं भी जाएंगे संजीव जी, किसी के घर में घुस के मारेंगे नहीं, किसी को पूर्व सैनिक को नहीं मारेंगे, हमसे ही बातचीत करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि, देखिए सबसे महरी बात है, इनसे आप कह रहे हैं कि इनमें तो पहले कह दी छोटी सी घटना है। संजीव जी सुन लीजिए, देखिए ये माफी नहीं मांगे, माफी मांगने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो फिर इनको जिस तरीके सेना अध्यक्ष को झूठा सड़क साफ गुंडा का
आर्मी एयरफोर्स चीफ को झूठा इन्होंने इनके नेता कर्नाटका के ने कहा, फिर दिग्विजय सिंह जी ने कुछ सैनिक को थप्पड़ मारा, उसके बाद सैफुद्दीन सोस को माफी मांगनी पड़ेगी, फिर सोनिया गांधी राहुल ने जो सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कह दिया फिर बता दिया उनको माफी मांगनी पड़ेगी, किस तरीके संजय निरुपम को माफी मांगनी पड़ेगी, पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी। आपको याद नहीं आएगा, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, आपको याद नहीं आएगा माफी मांगनी चाहिए आपके लिए। अरे संसद में माफी मांगा था महाराज सैनिक की, अरे रोहित भाई संसद में माफी मांगे थे, माननीय अरुण जेटली ने संसद में माफी मांगा था भारतीय प्रधानमंत्री के बदले में, आपको याद ही नहीं होगा, वो याद नहीं करेंगे आप, पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी नमा से इतना डरते क्यों है, यहाँ से रहा है आप लोगों का माफी मांगने का, शुरू से लेकर माफी मांगनी आप लोगों ने, ना पूर्व सैनिकों का सम्मान, अरे साहब माफीनामे का शुरुआती से लेके अभी तक का इतिहास रहा है आप लोगों का, ना लोग भूल जाएंगे, इतिहास याद नहीं है, ना उनका बुलेट प्रूफ इतिहास याद नहीं है, अंग्रेजों से माफी मांगने से लेकर के अभी तक देश की जनता से आप माफी मांगते चले आओ, माफीनामे की बात कर रहे हैं आप, चाइना से भी पैसे खाए, ठीक है ठीक है ठीक है, जनरल सिन्हा क्या इसका माफी नहीं मांगनी चाहिए, क्या इसका माफी नहीं मांगनी चाहिए, एक पूर्व सैनिक का आप अपमान करते हैं, क्या इस पर दिल बड़ा करके माफी नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी दोनों चुप है, शिवसेना भी चुप है, अपमान नहीं कर, कोई पूर्व सैनिक का अपमान नहीं करता, पूरा सम्मान है, क्या इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए जनरल सिन्हा, इस तरह से सम्मान होता है जनरल सिन्हा, क्या इस पर सम्मान होता है कि आप घर में घुस के मारते हैं, बिल्कुल ये हाँ जी जनरल सिन्हा बोलिए, हेलो जी बोलिए बोलिए जनरल सिन्हा, आप कितने को मारते हैं, फौजी का सम्मान होता है, मारते हैं, मैं बोलता हूँ जी कितने को मारते हैं, क्यों सिन्हा जी कितने को मारते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, नंबर कितने हैं, कमाल करते हैं आप, बिल्कुल संजीव जी आप नंबर कितने हैं, कितने को मारा, उसको सजा मिलनी चाहिए, आप ये सोनिया गांधी राहुल गांधी को जिसके इशारे पे आप लोग यहाँ बैठ के करें, उसको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी सजा, कभी सैनिकों को मिलनी चाहिए सजा और मिलेगी सजा, लेकिन इसके बदले में आप महाराष्ट्र में यही माहौल है, कोई सजा नहीं मिलेगी संजीव जी, आप आपको पता है क्या करेगी, जब ये घंटों में उनको छोड़ दिया जाता है, समय तो दीजिए, समय तो दीजिए, देखिए तो सही सजा मिलती है, नहीं मिलती है, अरे ये सब कवर अप स्टोरी होगा, हम नहीं समझते हैं क्या, हम नहीं समझते, ये कवर अप स्टोरी होगा, घंटों में छोड़ दिया जाता है, नॉन बेलेबल चार्ज क्यों नहीं लगाया पुलिस ने, क्योंकि लगा नहीं सकती, कि ऊपर से हुकुम आता है मत लगाओ, कैसे हो सकता है, जिस सरकार का वो हिस्सा है शिवसैनिक, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी बताइए आप, और तो साबित हो रहा है प्रत्यक्षम की प्रमाणम, एकदम प्रमाण सामने है कि घंटों में खुद छूट जाता आदमी, मतलब एक फौजी के घर में मतलब कैसे हिम्मत हुई इनको घुस के मारने की, सवाल ये पैदा होता है, और फौजियों का सम्मान की बात करते हैं और कहते हैं कि एक छोटा वारदात है, सर बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है इसका संजीव जी मुझे तो मतलब बहुत आश्चर्य हो रहा है, संजीव जी आप बड़े बुद्धिजीवी टाइप के आदमी हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप नंबर गिन रहे हैं, आप नंबर गिनते हैं कि कितनों को मारा, इन जैसे देश में छुपे गद्दारों से जो आतंकवादी वहां पे हमला करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आतंकवादी, ये कांग्रेसी, ये शिवसैनिक गुंडे, ये हमला कर रहे हैं हमारी सेना के ऊपर, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, नहीं सुनिए पहले पूरी बात सुनिए, कितनी शर्म, अरे साहब, अरे साहब मिल जाएगा, एक के साथ इस तरह की बात हुई है, उसको पकड़ा गया, उसको इससे ज्यादा शर्म क्या कहेंगे आप लोग, संजीव जी देश से माफी मांगनी चाहिए, सेना से माफी मांगनी चाहिए, सेना को भी माफी मांगनी चाहिए, निकाल के देखिए जो जो सरकार का हिस्सा उनको माफी मांगनी चाहिए, ये हुआ कैसे, बात इतनी सी है, बात को खींचने से जेल में, पत्रकारों को जेल में छोड़ दिया, और पूर्व सैनिक नवाज उठाए उसके ऊपर केस लगा दिया, अरे किस लिए केस लगा दिया उसका, उसके ऊपर आप एफ आई आर दर्ज कर रहे हैं, मदन शर्मा जी पूर्व सैनिक के ऊपर एफ आई आर दर्ज कर रहे हैं किस लिए, अगर आप ये इस तरीके से करेंगे तो भैया पूरी कांग्रेस के ऊपर केस दर्ज होंगे, अरे चाहे वो संजय राउत जी कह रहे हैं किस तरीके की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, कितने दर्ज कर लिया आपने,
अरे दिशा सालियान की हत्या से ज्ञान को छोड़ दीजिए कांग्रेस के ऊपर केस दर्ज कीजिए। अरे अपने पुराने पार्टी के ऊपर केस, ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा, नहीं होने वाला है। संजीव जी एक चीज को समझ लीजिएगा, एक चीज को समझ लीजिएगा, एक फौजी का सम्मान हमारे लिए सबसे बढ़कर है, एक फौजी का सम्मान हमारे लिए सबसे बढ़कर है। मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला है, माफी मांगनी पड़ेगी। जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होती है तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लगातार इस बात को उठाते रहेंगे। माफी मांगनी पड़ेगी सरकार को भी, माफी मांगनी पड़ेगी सरकार के ऊपर बैठे आकाओं को भी। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।